नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है बहुपक्षवाद की घटती प्रासंगिकता। तो देखेंगे कि आखिर अभी ये संदर्भ किस संदर्भ में चर्चा में है। एक इसकी सामान्य पृष्ठभूमि देखेंगे और शीत युद्ध के बारे में बात करेंगे, और फर्स्ट शीत युद्ध किन किन देशों के बीच हुआ था उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। पिछले शीत युद्ध से विभिन्नता किस प्रकार है इसमें उस पर भी बात करेंगे। इसमें भारत की भूमिका क्या है और भारत के लिए इसमें अवसर क्या है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा सम्मेलन के दौरान चीन और अमेरिका के बीच हुए टकराव को पिछले 70 वर्षों के बहुपक्षवाद के अंत का प्रतीक माना जा रहा है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए कई विशेषज्ञों ने यूएस और यूएसएसआर के बीच हुए शीत युद्ध के समान एक नए शीत युद्ध की आशंका भी जताई है। यूएसएसआर वही है, याद रखिए, शीत आपका सोवियत संघ, रूस जिसे आप आज रूस कहते हैं, पहले यही हुआ करता था, यूएसएसआर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता देता हूं मैं कि कहां बात की जा रही है। देखिए, ये है हमारा प्यारा, हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें ये हमारा प्यारा भारत, ये एशिया में आपका चीन, और ऊपर ये आपका रूस है। ठीक है, इसकी बात की जा रही है। फर्स्ट जो शीत युद्ध हुआ था इसी के बीच हुआ था। ये आपका 1991 तक चला। कब? 1991 तक। उसके बाद आपने देखा होगा कि रूस को कई भागों में बांट दिया, यानी कि विघटित हो गया था। ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसी की बात कर रहा हूं। विभिन्न आंकड़ों और रिपोर्टों के अनुसार चीन जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चीन में यह विकास प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष और व्यापार पर आधारित होगी, जिससे अमेरिकी श्रेष्ठता को संतुलित करने और दोनों देशों के बीच रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देने की मांग भी प्रबलित होगी। एक बात आप लोगों को पता होगी कि पहले दो महाशक्ति हुआ करती थी, एक यूएसएसआर और दूसरी तरफ था यूएसआर का। आपने देखा है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 के बाद अमेरिका अकेला महाशक्ति बनकर रह गया। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि अफगानिस्तान ले लीजिए आप लोग, ईरान ले लीजिए, फिर WHO ले लीजिए, जहां जहां से अमेरिका अपने पैर खींच रहा है वहां अपने पैर कौन जमा रहा है? चाइना। और चाइना महाशक्ति बनने की पूरी कोशिश कर रहा है और अमेरिका को पीछे धकेलना चाह रहा है। तो आप समझते हैं कि अगर दो महाशक्ति बन गया तो दोनों तरफ फिर से शीत युद्ध चालू हो जाएगा। एक तरफ आपका चीन रहेगा, दूसरी तरफ आपका अमेरिका। पृष्ठभूमि की बात करें तो 2017 में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के तहत चीन को एक संशोधनवादी सतीब के रूप में बताया था, जो अमेरिकी सुरक्षा और समृद्धि को नष्ट करने और अमेरिकी मूल्यों और हितों को प्रभावित करने के लिए विश्व विरोधी स्वरूप तैयार करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा भी चीन ने कई मोर्चों पर अमेरिकी आधिपत्य को कम करने के में सक्रिय भूमिका निभाई है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच यह नया युद्ध 21वीं सदी का एक प्रमुख भू राजनीतिक संकट के रूप में सामने उभर कर आ रहा है। साथ ही वर्तमान परिदृश्य में COVID-19 महामारी ने तो दोनों देशों के बीच संबंधों को और निचले स्तर पर ला खड़ा कर दिया है। परिणाम स्वरूप चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका अपने परस्पर संबंधों में प्रभावशीलता और गतिशीलता खो रहे हैं। आपको पता होगा कि अमेरिकी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, ये इस कोरोना और COVID-19 वायरस को चीन चाइना वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइना वायरस। ठीक है, और शीत युद्ध के संकेत की अगर बात करें, कैसे आपको संकेत दिखाई दे रहे हैं? कई दशकों तक डिंग जिया जिया ओपिंग चीन के राजनेता एवं सुधारक थे, जो माओ जेडोंग की मृत्यु के बाद चीन को बाजारवादी अर्थव्यवस्था की तरफ ले गए, और उनके उत्तराधिकारियों की अपेक्षा प्रबुद्ध अधिनायकवाद के तहत चीन का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भी सकारात्मक रूप से देखा जाता था। परंतु शी जिनपिंग के शासनकाल में चीन एक नरम से एक कठोर अधिनायकवाद के रूप में विकसित हुआ है। आपको पता होगा कि पहले चीन और अमेरिका बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, और आपने देखा था कि रूस और भारत की अच्छी मित्रता हुआ करती थी। तो कहते हैं ना कि ये मतलबी टाइप की दोस्ती होती है। आजकल जैसे आप लोग दोस्ती देखते हैं कि आप उसी से दोस्ती करना चाहते हैं,
जो थोड़ा हैसियत में, जिससे आपका काम बनता हो, बना जिससे काम ना होगा उससे दोस्ती खत्म कर दी जाती है, उससे नाम की दोस्ती रखी जाती है। तो यही हाल आपका देशों का है कि अगर आपके लिए प्रॉफिट है अमेरिका का तो आप दोस्ती करेंगे, वही, या फिर अमेरिका जिसे प्रॉफिट देखता है उससे ही दोस्ती करता है। अभी भारत की तरफ इस तरह इसलिए झुक रहा है क्योंकि चीन को अगर प्रतिस्थापित करना है तो उसे भारत की जरूरत पड़ेगी, चीन को प्रतिस्थापित करने के लिए। इसीलिए चीन के विरोध में अभी भारत का साथ दे रहा है अमेरिका। चीन की एशिया में आक्रामक नीति के फलस्वरूप अमेरिका ने चीन की मुखरता को नियंत्रित करने के लिए चतुष्कोणीय इंडो पैसिफिक नामक नई पहल शुरू की है। हाल ही में अमेरिका ने G7 में चीन को शामिल किए बिना G11 तक विस्तारित करने का प्रस्ताव भी दिया है। इसमें भारत को भी शामिल किया गया है। इसी संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति ने संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होने वाले अगले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री साहब को निमंत्रण भी दिया है। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर में पहले चीन की आक्रामक रणनीति, फिर भूमि अधिग्रहण और फिर अतिरिक्त क्षेत्रीय दावे का विस्तार करने के लिए किंतम द्वीपों पर का निर्माण करने पर अमेरिका उसके सहयोगियों द्वारा तीखी आलोचना की गई। हालांकि यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कैरिबियन द्वीप पर प्रभुत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका को रणनीतिक रूप से अटलांटिक महासागर को नियंत्रित करने में सक्षम बनाया और शीत युद्ध में शक्ति संतुलन को प्रभावित भी किया है। एक शब्द आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं, दक्षिण चीन सागर। तो आपको बता देता हूँ मैप्स में कि दक्षिण चीन सागर आखिर है कहाँ, क्योंकि ये हमेशा आपका न्यूज में बना रहता है। देखिए, अभी चाइना विस्तारवादी नीति अपना रहा है, ये हांगकांग देखा है मुद्दा अपने, ताइवान का देखा है, ये है दक्षिण चीन सागर, ठीक है, यहीं की बात की जा रही है। इस पर अपना दावा ठोकता रहता है दक्षिण चीन, और किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कोई भी रिपोर्ट आए या कुछ भी निर्णय आए उसे नहीं मानता है। संक्षेप में कहा जाए तो व्यापार युद्ध से लेकर 5G दूर संचार तक और फिर करेंसी वॉर तक अमेरिका चीन का टकराव कई आर्थिक मोर्चों पर है, और अब तो अमेरिका और विकासशील देशों के बीच दाता प्राप्तकर्ता संबंध भी कमजोर होते नजर आ रहे हैं। जब से चीन ने COVID-19 महामारी के दौरान $2 बिलियन दान देने का संकल्प लिया है, तब से दान कूटनीति, डोनेशन डिप्लोमेसी का एक नया चरण शुरू हो रहा है। इसके अलावा चीन अमेरिका ताइवान के समर्थन को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में भी मानता है। पिछले शीत युद्ध से भिन्नता किस प्रकार है, इसमें US और सोवियत संघ के बीच हुए पिछले शीत युद्ध और अमेरिका और चीन के बीच हो रहे इस नए शीत युद्ध में कई महत्वपूर्ण अंतर है। कौन कौन से? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध दो विरोधी विचारधाराओं, पूंजीवादी बनाम साम्यवाद के बीच की लड़ाई थी, जबकि अमेरिका और चीन के बीच ऐसा वैचारिक संघर्ष नहीं था। पूंजीवादी का इसके बारे में बहुत विस्तार से तो आपका NCERT में पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ सामान्य एक परिभाषा याद रखिए। पूंजीवादी में वो लोग शामिल रहते हैं जो जनता, जैसे पूंजीवादी में उन्हें शामिल कर लिया जाता है जो जनता का प्रॉफिट कम देखते हैं और लाभ के चक्कर में ज्यादा रहते हैं, और जो साम्यवाद होते हैं इनमें जनता का फायदा ज्यादा देखा जाता है, लाभ पर कम ध्यान दिया जाता है, और पूंजीवाद में लाभ पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। एक तरह से आप सरकार को, अपने यहाँ की सरकार को और पूंजीवादी लोगों को ले सकते हैं, आप लोग जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां होंगी वो क्या करेंगी, लाभ कमाने पर ज्यादा जोर देंगी, और जो सरकार होगी वो सामाजिक कल्याण के बारे में ज्यादा सोचेगी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ शीत युद्ध परोक्ष रूप से संघर्षों से भरा था, जैसे कि क्यूबा मिसाइल संकट 1962, सोवियत अफगान युद्ध 1979 से 89 तक आदि। हालांकि अब तक अमेरिका और चीन के बीच कोई पॉक्सी परोक्ष रूप से युद्ध नहीं हुआ है। अमेरिका और सोवियत संघ के विपरीत वर्तमान वैश्विक दुनिया में निवेश और बाजारों के माध्यम से अमेरिका और चीन ने अर्थव्यवस्था को बारीकी से एकीकृत किया गया। रूस, भारत और जापान जैसे देश स्वयं राज्यों के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि उनके पास यह विकल्प है कि वे अमेरिका या फिर चीन के साथ गठबंधन करें या ना करें। भारत की भूमिका की अगर हम लोग बात करें तो भारत एक बढ़ती वैश्विक शक्ति है। इसके महत्व को समझते हुए अमेरिका और चीन दोनों ने भारत को अपनी तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश की है। अमेरिका के विदेश नीति विशेषज्ञों का तर्क है कि शीत युद्ध में भारत का एक प्राकृतिक सहयोगी अमेरिका है। दूसरी ओर भारत में चीन के राजदूत ने
मानव जाति के लिए साझा भविष्य लक्ष्य के साथ एक नए प्रकरण को शुरू करने का सुझाव दिया। ऐसे में भारत निम्नलिखित क्रियाओं से अपनी भूमिका को अंकित कर सकता है। भारत वसुधैव कुटुंबकम के तत्वाधान में नए बहुपक्षवाद को बढ़ावा दे सकता है, जो कि न्याय संगत सतत विकास के लिए आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवहार व्यवहार दोनों के पुनर्गठन पर निर्भर करता है। भारत को वैश्विक शक्तियों के साथ शीघ्र परंतु गहन कूटनीति करनी चाहिए, ताकि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और वैश्विक हित कायम किया जा सके। इसके अलावा भारत को यह स्वीकार करना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI, साइबर और अंतरिक्ष में तकनीकी श्रेष्ठता पर निर्भर करती है, ना कि महंगी पूंजीगत उपकरणों पर। और इस तथ्य को ध्यान में रखकर भारत को महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहिए, ताकि किसी अन्य देश पर निर्भरता ना रहे। भारत के लिए अवसर की बात करें इसमें, कि भारत को अवसर क्या मिल सकता है। विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भारत बहुपक्षवाद के संदर्भ में वैश्विक जिम्मेदारी निर्धारित कर सकता है। भारत को अवसर के रूप में बदलती हुई परिस्थितियों का पर्यवेक्षण करना चाहिए। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद गैर स्थायी सीट्स में शामिल हो गया है, और ये 21-22 के लिए रहेगा। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा, और 2022 में भारत G20 की मेजबानी भी करेगा। भारत को इस अवसर का उपयोग कर अपने प्राचीन संस्कृति सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ते हुए वैश्विक नेतृत्वकर्ता के विचार को पुनः प्राप्त करने के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि हाल ही में हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के लिए नए सिद्धांत का आह्वान किया है। मानवता, निष्पक्षता और समानता पर आधारित उनके नए वैश्वीकरण मॉडल को वैश्विक स्तर पर एक समान और व्यापक समर्थन मिला है, क्योंकि 1950 के बाद पहली बार हर कोई एक ही वायरस यानी कि खतरे का सामना कर रहा है, और आप देखते हैं कि कोई भी देश इससे नहीं छूटा हुआ है। सभी देश इससे संक्रमित यानी कि सब जगह फैल चुका है। ध्यातव्य है कि विश्व इस समय एक गंभीर विक्षोभ से गुजर रहा है। ऐसी परिस्थिति में वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक अनुसंधान और समाज को फिर से एक नया एक साथ लाकर शुरुआत करने की आवश्यकता है। भारत को इस अवसर का उपयोग अपने वैश्विक संतुलन को पुनः प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। यह भारत को मानवता, निष्पक्षता और समानता पर आधारित नए पक्षवाद बहुपक्षवाद को आकार देने का आकार भी अवसर भी प्रदान करेगा। आखिर में क्या कह सकते हैं आप लोग, निष्कर्ष था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिकी संस्थानों द्वारा व्यापार, पूंजी और प्रौद्योगिकी निर्भरता को बढ़ावा दिया गया, तो सामाजिक आर्थिक विकास की अनदेखी करते हुए नए स्वतंत्र राज्यों से परामर्श नहीं किया गया, परंतु वर्तमान परिदृश्य में सामाजिक आर्थिक अधिकार राजनीतिक और प्रक्रियात्मक अधिकारों के समान महत्वपूर्ण हो चुके। हालांकि उस समय औपनिवेशिक एशियाई देशों ने औद्योगिक क्रांति को आकार देने में कोई भूमिका भी नहीं निभाई, परंतु अब भविष्य की डिजिटल क्रांति को विभिन्न मूल्यों द्वारा आकार दिया जाएगा, जिससे समानता एक प्रमुख पहलू होगा। एक बार लास्ट में यही कहूंगा मैं कि आपको आर्टिकल कहीं भी मिले, बस आपको वो पॉइंट निकालना है जो आपकी आंसर राइटिंग के लिए या फिर प्रीलिम्स में बन सकते हैं क्वेश्चंस, वही आपको याद रखना है। कोई क्या लिख रहा है, सरकार की बुराई कर रहा है या सरकार के पक्ष में लिख रहा है या दुनिया में क्या लिख रहा है, उससे फर्क नहीं है आपको। आपको निगेटिव पॉइंट भी नहीं निकालना है और पॉजिटिव इकाई पॉजिटिव पॉइंट भी नहीं निकालना है। एक दोनों का बैलेंस बनाकर आपको निकाल के वो अपने पास रख लेना है, ठीक है।